हेलो गाइस एंड वेलकम टू सेलिब्रिटी फ्लो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के बारे में। दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी 11 भारत का सबसे पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो है और आजकल खतरों के खिलाड़ी का सीजन 11 चल रहा है, जो हर सीजन की तरह इस बार भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और इस शो में आए सभी कंटेस्टेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी में हुई कल एक वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हाँ दोस्तों, कल आस्था गिल और सौरभ राजन और विशाल में से स्टंट परफॉर्म करने के बाद विशाल आदित्य सिंह की हुई है फिर से शो में वापसी और उनकी वापसी में भी सभी कंटेस्टेंट हुए बहुत खुश। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको विशाल आदित्य सिंह की फिर से शो में वापसी आने से खुशी हुई या नहीं। दोस्तों, वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ साथ इस वीकेंड होगी एक एलिमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसका खतरों के खिलाड़ी में हुआ सफर खत्म। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही साथ प्रेस कर दें बेल आइकन को और इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा। दोस्तों, इस वीक सभी कंटेस्टेंट को फियर फंदा दिया गया था, जहाँ कुछ कंटेस्टेंट अपने स्टंट को अच्छे से परफॉर्म करके फियर फंदे से खुद को बचाकर सुरक्षित हो गए, तो वहीं कुछ कंटेस्टेंट अभी भी खतरे में हैं, जिनका नाम है दिव्यंका त्रिपाठी, अर्जुन बिजलानी, वरुण सूद, अभिनव शुक्ला और अनुष्का सेन। जी हाँ दोस्तों, इनमें से ही कोई एक होगा आज शो से एलिमिनेट। दोस्तों, हमारे प्रिडिक्शन से और पिछले वीक की परफॉर्मेंस में से जो दो कंटेस्टेंट एलिमिनेशन राउंड में जाएंगे उनके नाम है वरुण सूद और अनुष्का सेन। और दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक होगा खतरों के खिलाड़ी की रेस से बाहर। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है इस वीक के एलिमिनेशन के बारे में और खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में कौन सा कंटेस्टेंट आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारा चैनल कर दें सब्सक्राइब, साथ ही साथ प्रेस कर दें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।